ओप्पो का सेट है दोस्तों, उसमें आप यदि पेटेंट अनलॉक करके थक चुके हैं, आपको पेटेंट यदि अनलॉक नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। इसमें आपको कंप्लीट आपको ट्यूटोरियल आपको देखने को मिलेगा, तो आप ओप्पो का किस तरह से आप हार्ड रिसेट करें। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से आखिर तक देखें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे भी आपको इसी तरह जानकारी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों वीडियो को नया ट्रिक के साथ स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर इमरजेंसी में जाने के बाद दोस्तों एक कोड है, जनरल कोड, इस कोड को आपको यहाँ पर इंटर करना है, *H225#। इस कोड को आपको यहाँ पर डालने के बाद दोस्तों आपको कॉलिंग बटन को प्रेस करना होगा, ओके करना होगा, कॉलिंग बटन को प्रेस करके ओके करना होगा, फिर से कॉलिंग बटन को प्रेस करके ओके करना होगा। इसके बाद दोस्तों इस कोड को इरेज कर देना है। इसके बाद आपको *899#, यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जिस सेम स्टेप आप यहाँ पर फ्लो करेंगे तभी जो है आपका यहाँ पर अनलॉक का ये आपका मेथड वर्क करेगा। यहाँ पर दोस्तों रीड राइट में जाना है, आपको फर्स्ट टाइम कैंसिल करना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको आ जाना है सेल्फ टेस्ट में आ जाना है दोस्तों। यहाँ पर आपको सेल्फ टेस्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको जाना है, जिसको आपको तीनों को टच करना है। यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे दोस्तों दो आपका यहाँ पर पास हो जाएगा। ये पास होने के बाद आपको यहाँ पर बैक करना है, बैक यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर अदर्स वाले में फिर से जाना है, रीड राइट में जाना है। अब यहाँ पर आपको ओके करना है, यहाँ पर आपको ओके करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको दो बार। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर GPS में जाना है, GPS में आपको जाने के बाद कुछ देर यहाँ पर आपको इंतज़ार करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको इस तरह से नंबर शो होगा, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको नंबर यहाँ पर शो होगा दोस्तों यहाँ पर। तो कुछ देर आपको यहाँ पर इंतज़ार करना है, आपको यहाँ पर जो है जब तक यहाँ पर पासवर्ड का जो है नहीं है 20 सेकेंड का, जब तक नहीं आ जाए तब तक आपको यहाँ पर छोड़ देना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर लोकेशन इस तरह से इनेबल होगा दोस्तों, और 20 सेकेंड हैज पासवर्ड इस तरह से आपका जो है आ जाएगा। ये आपके अनुमान ओके आपको कर देना है दोस्तों। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर जल्दी से फिर आपको यहाँ पर जाना है, आपको रीड राइट में, और आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों डाटाबेस को आपको यहाँ पर एक्टिवेट करना है। डाटाबेस को आपको एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर की स्टेटस आपको चेक कर लेना है, आपको इस तरह से यहाँ पर पास आ जाएगा दोस्तों। दो नोट सपोर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन जो है आपका यहाँ पर पास हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से इमरजेंसी में जाना है, आपको यहाँ पर आपको जो 20 सेकेंड मिला था इसको आपको बढ़ाना है। इसके लिए *813# इसको आपको डायल करके आपको तीन बार आपको इसको एक्टिवेट करना है। इसके बाद दोस्तों एक्टिवेट आपका जब हो जाए तब आपको यहाँ पर फिर से पावर ऑन ऑफ बटन को आपको यहाँ पर प्रेस करके रखना है। पावर ऑन ऑफ बटन को जैसे ही प्रेस करके रखेंगे पावर ऑफ का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखना है। इसको आप जैसे ही प्रेस करके रखेंगे दोस्तों ओप्पो लिखा हुआ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिकवरी जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका आने के बाद कुछ देर आपको यहाँ पर इंतज़ार करना है दोस्तों। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आपका आएगा। इसके बाद का जो दोस्तों यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका अगला स्टेप जो होने वाला है वो आपको यहाँ पर लाइव आपको देखने को मिलेगा, कि यहाँ पर किस तरह से आप पेटेंट पिन पासवर्ड कुछ भी रहे यहाँ पर आसानी से आप कैसे यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर जो हमने सारा स्टेप किए हैं वो आपको यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर चेक हो रहा है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर आपका अगला स्टेप यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर आ चुका है। ये आप करने बने के बाद लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्मेट डाटा में आपको यहाँ पर जाना है। उसके बाद पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करना है यहाँ पर। उसके बाद 4 डिजिट का जो कोड है दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जैसे ही फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पर प्रेस करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर 100% यहाँ पर आपका पेटेंट पिन पासवर्ड कुछ भी रहे दोस्तों आपका 100% यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद का जो है दोस्तों यहाँ पर आपको FRP के लिए *813# डायल करें, आपका FRP अनलॉक हो जाएगा। इस तरह से घर बैठे बड़ी आसानी से दोस्तों आप लोग